तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बना लेते हैं जलेबी और ये कलरफुल बूंदी और लड्डू। तो जलेबी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा एक चौथाई चम्मच ले लिया है बेकिंग पाउडर, और थोड़े थोड़े पानी में, इसको गुनगुने पानी में मैं इसका घोल बना लेती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा कलर इसमें डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को कलरफुल सब पसंद है, तो इसलिए थोड़ा सा कलर डाल दिया है। और इसको मैं एक घंटे के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं बूंदी बनाऊँगी तो उसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है। तो बेसन मैं दो कलर में घोलूँगी, तो इस तरीके से थोड़ा आधा आधा करके दो बाउल में ले लिया है। और यहाँ पर मैं पहले ये रेड कलर डाल दिया है थोड़ा सा, तो ये मैं अच्छे से इसको फेंट देती हूँ। और जितना अच्छा इसको फेंटोगे उतनी अच्छी बूंदियाँ तैयार होंगी। तो ये देखिए, अब मैं अब ये ग्रीन कलर डाल देती हूँ क्योंकि ये बच्चों को ग्रीन कलर पसंद है, इसलिए अलग अलग कलर से बनवा रही हैं दोनों। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने बेकिंग सोडा डाला है। और यहाँ पर दो कटोरी मैंने ले लिया है चीनी, और दो कटोरी चीनी है तो एक कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। तो अब गैस को ऑन कर देती हूँ और इसमें चाशनी में मैं डालूँगी आधा नींबू, और नींबू छोटा था इसलिए मैंने आधा ही डाला है, और जितना रस निकला है एक चम्मच, और उतना ही पानी मैंने मिला के डाल दिया है। तो अब चाशनी उधर तैयार हो रही है, इधर काफ़ी टाइम हो गया है घोल को बने हुए, तो इसमें डाल देती हूँ इनू एक पाउच। और इनू क्योंकि दही नहीं था मेरे पास तो इसलिए मैंने इनू डाला है, और अगर दही हो तो फिर इनू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो दही से बहुत अच्छी जलेबियाँ बनती है, तो इसलिए इसको भी अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ। और यहाँ चाशनी बन के रेडी हो गई है, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं पैन में चढ़ा देती हूँ तेल, और जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं इस बॉटल में ये घोल को भर लेती हूँ। तो मैं इसी बॉटल से जलेबियाँ बनाऊँगी। और तेल भी गर्म हो गया है और चाशनी भी रेडी हो गई है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल चिपक रही है, चिपकने लगी है, तो इसलिए रेडी हो गई है। चाशनी बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मैं बना लेती हूँ जलेबियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी सी बनाऊँगी तो इस तरह से। और इससे बना ये बोतल से इसमें से पतली पतली बनती हैं, तो इसलिए इसी से मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अब पतली हैं तो इसलिए जल्दी पक जाती हैं, और ये दोनों तरफ से पक गई हैं। तो अब इनको मैं निकाल लेती हूँ और इनको मैं चाशनी में डाल देती हूँ, ताकि जब ये चाशनी में अच्छे से इनके अंदर चाशनी जब तक आएगी तब तक दूसरी पक जाएंगी, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए चाशनी में इनको 2 मिनट के लिए रख दिया था। अब बाहर रख देती हूँ इनको। और यहाँ पर मैं बूंदी बना लेती हूँ, पहले थोड़ा सा डाला है कि बूंदी बनेगी कि नहीं, इसलिए अब मैं बना लेती हूँ बूंदी। तो इस छन्नी को मैंने अपने हाथ से बनाया है, तो इस ये बहुत अच्छी बन भी गई है। तो ये देखिए बिल्कुल गोल गोल बूंदियाँ बन रही हैं और अच्छी भी बन रही हैं, तो इसलिए और बिल्कुल एक साइज़ की बन रही हैं बूंदियाँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से बूंदी बन गई हैं। तो अब ये पक भी गई थी तो इनको निकाल लिया। मैं दूसरे कलर वाली बूंदी बना लेती हूँ क्योंकि दोनों को अलग अलग कलर की बूंदियाँ पसंद कलर पसंद थे, तो दोनों अलग अलग कलर के की बूंदियाँ बनवा रही हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी बूंदियाँ बना लेती हूँ। और कलरफुल बूंदियाँ देखने में अच्छी भी लग रही हैं, ये देखिए ये बूंदी बनके तैयार हो गई हैं। तो अब इनको चाशनी में डालती हूँ अभी,
तो यहाँ पर जलेबी भी मैं बना लिया है। जलेबी कितने अच्छे से बन गई हैं। और ये देखिए बूंदी डाल देती हूँ चाशनी में। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ये बहुत अच्छे से, ये देखिए अभी बूंदियों के अंदर जब ये जलाओ इस पे चला गया है, तो ये बनवा रही हैं दोनों लड्डू। कह रही थी कि इससे अब लड्डू बांध दो, तो ये देखिए मैंने लड्डू भी बना लिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और जलेबी और लड्डू अच्छे लगे हैं, बूंदी अच्छी लगी हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।